नासा हिंदी न्यूज चैनल के नए वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वोयेजर 2 अंतरिक्ष यान को छोड़े 45 साल हो गए हैं। यह यान बाहरी सौर मंडल की तस्वीर दिखाने के लिए रवाना हुआ था। इसमें एक गोल्डन रिकॉर्ड लगा हुआ था। इसके बाद वोयेजर 1 को भी भेजा गया था। दोनों ही यान बृहस्पति और शनि के करीब से गुजरे थे। 45 साल पहले 20 अगस्त 1977 को एक असाधारण अंतरिक्ष यान ने इस ग्रह से उस अनंत अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। वोयेजर 2 हमें पहली बार दिखाने जा रहा था कि बाहरी सौर मंडल के ग्रह करीब से कैसे दिखते हैं। यह ठीक वैसा ही था जैसे न्यूयॉर्क शहर में एक मक्खी को छोड़ दिया जाए और फिर उसे उसके बारे में बताने को कहा जाए। वोयेजर 1 को 5 सितंबर को वोयेजर 2 के बाद लॉन्च किया गया था। प्रत्येक वोयेजर में एक गोल्डन रिकॉर्ड लगाया था जिसमें वह अपने साथ पृथ्वी से अभिवादन, ध्वनियां, छवियां और संगीत लेकर गए थे। अंतरिक्ष यान कमोबेश जुड़वां थे, लेकिन उनके पास अलग अलग प्रक्षेपवक्र और वैज्ञानिक उपकरण थे। जबकि दोनों बृहस्पति और शनि के करीब से गुजरे, वोयेजर 1 फिर तारों के बीच अंतरिक्ष की ओर बढ़ गया। वोयेजर 2 ने यूरेनस और नेपच्यून की अब तक की एकमात्र यात्रा की। रंग बिरंगी दुनिया 1986 में यूरेनस पहुंचे, वोयेजर 2 ने हल्के नीले हरे बादलों और एक संभावित अंधेरे स्थान को मैप किया, जिसकी बाद में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा पुष्टि की गई। यहां एक अप्रत्याशित चुंबकीय क्षेत्र था। 10 नए चंद्रमाओं की खोज की गई, जिनमें ग्रे गड्ढों से भरा पक और 2 नए स्याह छल्ले शामिल हैं। 3 साल बाद वोयेजर 2 नेपच्यून पहुंचा और 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं में घूमते हुए बादलों की तस्वीरें धरती पर भेजी। स्लेट के रंग का ग्रेट डार्क स्पॉट दिखाई दिया और सबसे बड़ा चंद्रमा ट्राइटन मीथेन बर्फ और जमी हुई नाइट्रोजन के प्रभाव से गुलाबी हो गया था। तब से कोई अंतरिक्ष यान वापस नहीं आया है। भविष्य के लिए संदेश दूर के बर्फीले ग्रहों की इन झलकों से भी अधिक जो वोयेजर मिशन के बारे में लोगों को आकर्षित करता है वह है प्रसिद्ध गोल्डन रिकॉर्ड्स। दूरदर्शी खगोलशास्त्री कार्ल सागन के नेतृत्व में एक समिति ने एक वर्ष की मेहनत के बाद ऐसी सामग्री एकत्र की जो पृथ्वी के प्रतिनिधि के रूप में वोयेजर के साथ अंतरिक्ष में गई। इनमें कुछ खास ध्वनियों, संगीत, छवियों, विभिन्न भाषाओं, जिनमें कुछ प्राचीन और दुर्लभ भाषाएं भी शामिल थी, में लोगों के संदेश और शुभकामनाओं को रिकॉर्ड किया गया था। अब वोयेजर 2 के सिस्टम को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है ताकि यथासंभव लंबे समय बिजली बचाकर तक उसे चलाया जा सके। लेकिन 2030 के दशक में कोई वक्त ऐसा आएगा जब कुछ नहीं बचेगा। वोयेजर 2 के संचारण बंद होने के बाद भी यह पूरी तरह से मृत नहीं होगा। अपने परमाणु ऊर्जा स्रोत में प्लूटोनियम 238 का आधा जीवन 87.7 वर्ष है, जबकि गोल्डन रिकॉर्ड पर यूरेनियम 238 की कोटिंग के छोटे पैच की उम्र 4.5 अरब वर्ष है। दोनों तत्व धीरे धीरे सीसे में बदल रहे हैं। सांस्कृतिक महत्व धूल के कणों की मार वोयेजर 2 की सतहों को धीरे धीरे नष्ट कर देगी, संभवतः वोयेजर 1 की तुलना में उच्च दर पर, क्योंकि यह अंतरिक्ष के विभिन्न क्षेत्रों से गुजर रहा है। हालांकि इसका गोल्डन रिकॉर्ड 5 अरब वर्षों के बाद कम से कम आंशिक रूप से सुपाठिया होना चाहिए। गोल्डन रिकॉर्ड्स पर चित्रित पृथ्वी अब से 100 साल बाद भी पहचानने योग्य नहीं होगी। अज्ञात भविष्य के लिए अंतरिक्ष यान और अभिलेख एक खंडित पुरातात्विक रिकॉर्ड के रूप में बने रहेंगे। जबकि गोल्डन रिकॉर्ड्स अंतहीन रूप से आकर्षक हैं, वोयेजर का वास्तविक सांस्कृतिक महत्व उनके स्थान में है। अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड के साथ मानव जुड़ाव की भौतिक सीमा को दर्शाने वाले सीमा चिन्ह हैं। जब वोयेजर्स ट्रांसमिशन बंद कर देंगे तो यह अंतरिक्ष में होने के एहसास के समाप्त होने जैसा होगा। टेलीस्कोप हमें केवल दिखाते भर हैं, वहाँ मौजूदगी का कोई विकल्प नहीं है। अब उनके पदचिन्हों पर कौन